Hi guys, you are most welcome in your online channel. Today we are talking about an interesting chapter. The name of chapter is Eeswaran the Storyteller. This is an important chapter for the class 9th students. तो आज हम इस कहानी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे. उसके पहले हम इस कहानी की समरी देखते हैं. ओके, यह कहानी एक्चुअली में एक भूतों एवं प्रेतों से संबंधित कहानी है. इस कहानी में दो पात्र हैं. पहला पात्र महेंद्र है. महेंद्र एक युवा है, साथ में ही वह जूनियर सुपरवाइजर है. जबकि दूसरा पात्र ईश्वरन है. ईश्वरन महेंद्र का कुक है, रसोइया है, जो महेंद्र के लिए खाना बनाने का काम करता है, कपड़े धोने का काम करता है, और साथ में वो महेंद्र को कहानियां भी सुनाता है. ईश्वरन जो कहानी सुनाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होती है. एक बार वह भूतों एवं प्रेतों की कहानियां सुना रहा था. इस कहानी को सुनने के बाद महेंद्र के मन में डर बैठ जाता है. फिर क्या होता है, रात में जब वो सोया होता है तो अचानक नींद से जगता है और खिड़की के बाहर देखता है तो उसे लगता है जैसे कोई बाहर भूत या प्रेत खड़ा हो. वह और भी ज्यादा डर जाता है. उसके बाद वह पसीने से लथपथ हो जाता है डर की वजह से, और यह निर्णय लेता है कि अब वह इस जगह को छोड़कर चला जाएगा क्योंकि यह भूतों एवं प्रेतों की जगह है, ऐसी जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं है. तो यही इस कहानी का मूल भाव था. ओके, अब हम चलते हैं इस चैप्टर पर. वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप. एक दिन रात्रि में महेंद्र जग जाता है एंड शाह और देखता है अ डार्क क्लाउडी फॉर्म. एक डार्क क्लाउडी फॉर्म में भूत जैसी आकृति वाला, जैसे आप इमेज में देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जैसे भूत जैसी आकृति है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये जो बहुत सारे यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं आपको, इन चित्रों में आप भूत जैसी आकृतियों को देख रहे हैं. ऐसे ही आकृतियां रात को देखता है और उसे बोलता है ए डार्क क्लाउड फॉर्म, एक ऐसा अंधेरा जैसा कोई आकृति. हिज ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वीट, और वह डर करके पसीने में डूब जाता है. स्वीट मीन्स पसीना, और डरने की वजह से उसको वो पसीना पसीना हो जाता है. वाज इट अ घोस्ट, और सोचने लगता है कि क्या यह भूत था या मेरी इमेजिनेशन है, मैं सपने में तो नहीं हूँ या एक्चुअली में यह भूत है या भूत जैसा कोई कपड़ा पहन के मुझे डर रहा है. ये क्वेश्चन करता है वो अपने आप से ही. ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर. ओके गाइस, या द स्टोरी वॉज डायरेक्टेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम. यह कहानी गणेश को सुनाई जाती है बाई अ यंग मैन, एक युवा द्वारा, जिस युवा का नाम था महेंद्र. यानी महेंद्र ने अपनी यह कहानी गणेश को सुनाई. ही वाज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म. वह एक जूनियर सुपरवाइजर है फर्म में, मीन्स महेंद्र एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर है. विच ऑफर्ड ऑन फायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स. और यह जो साइट है यह भिन्न भिन्न लोगों को सुपरवाइजर का काम सौंप करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा करती है. ओके, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर. कैसे, ये कैसी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, कैसे निर्माण क्षेत्र हैं, जैसे फैक्ट्रीज, जैसे फैक्ट्री का काम हो रहा हो, ब्रिजेस, पुलों का काम हो रहा हो, डैम्स, बांधों का काम हो रहा हो, एंड सो ऑन, और अन्य काम. मीन्स जो भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जैसे फैक्ट्री, ब्रिजेस, डैम्स, अन्य सोन और अन्य, तो यहीं पर यह कंपनी या फर्म सुपरवाइजरों को निरीक्षण के लिए भेजा करती है. महेंद्र जॉब वाज टू कीप आईज ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. और महेंद्र भी एक सुपरवाइजर था, इसका काम क्या था, कीप एन आईज. कीप एन आई का मतलब होता है ध्यान देना. इस साइट पर जो वर्क साइट है वहां पर जाकर के इसका काम निरीक्षण करने का है. उसको यह देखना है कि काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, किसी चीज की कमी है या नहीं है,
बिल्डिंग कितनी बनी कितनी नहीं बनी, लोगों को पैसे मिले नहीं मिले, मजदूर काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे, यही सब उसकी जांच पड़ताल करता था। He had to keep moving from place to place every now and then. और उसे moving from one place to next place, means उसे एक जगह पर दूसरे जगह पर बार बार जाना पड़ता था। क्यों? As ordered by his head office. क्योंकि उसके head office से उसे आज्ञा मिलती थी या order मिलता था। From a coal mining area to railway business construction site. यहाँ तक कि कभी कभी वो कोल माइनिंग क्षेत्र में काम करता था, कोयले की खानों के क्षेत्र में भी काम करता था, कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन की साइट पर काम करता था। फ्रॉम वेयर फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट्स, और कुछ महीने बाद उसे किसी केमिकल प्लांट पर काम करना है, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो अभी कहीं पर लगाया जाएगा। मीन्स ऐसे भी फैक्ट्री में काम करना जो अभी कहीं पर लगाया जाना है, इसका मतलब ये उसका बॉस हमेशा उसकी पोस्टिंग करता रहता है, कभी कोल माइन की तरफ, कभी जहाँ पर रेलवे के पुल बन रहे होते वहां पर, कभी फैक्ट्रियों में, तो तमाम जगहों पर उसकी कंटिन्यू पोस्टिंग होती रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। या ही वाज अ बैचलर, हिज नीड्स वेयर सिंपल, बताया जा रहा है वह एक बैचलर था, मीन्स अविवाहित, इसकी शादी नहीं हुई थी, वह एक अविवाहित था। His needs were simple, उसकी जरूरतें बहुत सिंपल थी, and he was able to adjust himself to all kinds of poor conditions. और poor condition माने बुरी स्थिति में, वह बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को एडजस्ट करने में सक्षम था। चूंकि शादी नहीं हुई, अगर शादी और बच्चे होते कहीं ले जाता और उनको, तो उनको सही जगह पर रखना होता, अभी अकेला था, उसकी जरूरतें भी कम थी, इसलिए कहीं पर भी एडजस्ट कर लेता। और whether it was an ill-occupied circuit house, यहाँ तक कि वो ill-occupied circuit house, ऐसे circuit house में सुखने की जगह जहाँ पर ill-equipped हो, means equipped हो, जहाँ पर बिल्कुल भी सामान ना हो, means ऐसा घर जिसमें कुर्सी नहीं हो, मेज नहीं हो, टेबल नहीं हो, फैन नहीं हो, इस प्रकार के घर को हम circuit house को हम ill-equipped कहते हैं, means वो ill-equipped circuit house में भी रह सकता है। Are a main shift and mass tent in the middle of the stone quarry. और यहाँ तक कि वह कपड़ों से कैनवास से बनी हुई टेंट में भी रह सकता है, और जो टेंट स्टोन मिडिल ऑफ द स्टोन वेरी, जो पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, उन पत्थरों के बीच में यदि कपड़े का टेंट लगा दिया जाता तो वहां पर भी ये व्यक्ति आराम से निवास कर लेता, इसी कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। What one asset he had was his cook. लेकिन उसके पास एक एसेट था, एसेट में संपत्ति, उसके पास लेकिन एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी, एंड दैट एसेट वाज हिज कुक, उसका जो रसोईया था, एंड द नेम ऑफ कुक वाज ईश्वरन, और उस कुक का नाम ईश्वरन था। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, और यह जो कुक था मींस ईश्वरन था, यह महेंद्र से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो चुका था, एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली wherever he was posted, and followed him uncomplaining, और वो follow means अनुसरण करता, उसके साथ साथ जाता बगैर शिकायत के, कब कब जाता उसके साथ साथ, जब उसकी पोस्टिंग हुआ करती, means जब ये महेंद्र की पोस्टिंग किसी जगह पर होती, जैसे कोयले की खान के पास हो जाती, कंस्ट्रक्शन साइट पे हो जाती, या पुल के पास हो जाती, जहां जहां पर उसकी पोस्टिंग होती वहां वहां पर ये ईश्वर उसके साथ जाता था। और क्यों जाता, क्या करता था, he cooked for महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना बनाता, washed his clothes, उसके कपड़ों को धोता, and chatted with away with his master at night, और रात में वह अपने मास्टर से बात करता, मास्टर का मतलब यहाँ पर महेंद्र से है, और ईश्वरन रात में महेंद्र से बात भी किया करता। he could weave out endless stories, वह अनंत काल तक समाप्त होने वाली कहानियों सुनाता, मीन्स ऐसी कहानी सुनाता जो खत्म ही नहीं होती, मीन्स सुनते सुनते कभी महेंद्र सो जाता, फिर अगले दिन आके सोता, तो एक लंबी कहानी उसे सुनाया करता था, एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और ये कहानियां भिन्न भिन्न सब्जेक्ट पर होती, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट का मतलब जैसे कोई कहानी राजा रानी के ऊपर होती, कोई कहानी जंगलों के ऊपर होती, कोई कहानी शेरों के ऊपर होती, कोई कहानी सामान्य लोगों से संबंधित होती, तो कई बार भूतों प्रेतों से संबंधित कहानियां भी होती, और इस प्रकार से वो अनंत तक चलने वाली कहानियों को महेंद्र को रात में सुनाया करता।
Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. Seemingly out of nowhere, in the middle of desolation landscape with no shops visible for miles around. और एक चीज है कि ईश्वरन के पास एक अमेजिंग कैपेसिटी थी किस चीज की, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, यानी सब्जियों और अन्य भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करने की, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, बता रहे सीमिंग आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडिल ऑफ डिसोलेटेड लैंडस्केप, डिसोलेटेड लैंडस्केप मतलब जहाँ पर कोई इंसान ना हो, विथ नो शॉप, जहाँ पर कोई दुकानें ना हो, विजिबल फॉर माइल्स अवे, मींस मीलों तक, मीन्स वो ऐसी जगहों से सब्जियां और अन्य सामान खोज लेता जहां पर ना तो इंसान होते ना तो दुकानें होती, दूर दूर तक दुकानें नहीं होती, फिर वो पता नहीं कहां से सब्जियां इकट्ठा कर लेता, सब्जियों में डालने वाला सामान इकट्ठा कर लेता. ओके, ही वुड मिरेक्यूसली कंजर्व अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, और वो मिरेक्यूसली तरीके से मीन्स आश्चर्यजनक तरीके से बहुत स्वादिष्ट सब्जियां बना देता था विद इन एन आवर, एक घंटे में ही अराइविंग एट द जिंक सीड सेल्टर एट द न्यू वर्कशॉप. जब वो अपने नए वर्कशॉप में पहुंचता, नए घर में पहुंचता जो कि जिंक सीड से बना हुआ था, जिंक सीड सेल्टर का मतलब यहाँ मतलब है कि पतरे से बना हुआ घर, जैसे छतों पर कई बार छत न डाल के पतरे डाल दिए जाते हैं, तो पतरे से बने हुए वर्कशॉप में जब वो पहुंचता पोस्टिंग के बाद, तो एक घंटे के अंदर ही वो सब्जियां ढूंढ लेता भले ही वहां पर दुकानें हो या ना हो, और इन सब्जियों और ये सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट बना देता बगैर मसालों के. ठीक, तो इस तरीके से हमने ये वाला पैराग्राफ देखा. अब आगे देखते हैं गाइस. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह सुबह उठ जाता एंड लीव फॉर द वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट लेने के बाद अपने काम पर चला जाता. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और जब जाता तो अपने साथ कुछ भोजन भी लेकर जाता जिससे कि दोपहर में लंच कर सके. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, इसका मतलब यह कि ईश्वरन टाइडी मीन साफ करना होता है, द शेड जहां पर रहता है निवास, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वरन सुबह सुबह उठ करके घर की सफाई कर देता, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़ों को साफ कर लेता एंड हैव अ लेजरली बाथ, और इसके बाद धीरे धीरे स्नान करता था. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने सिर के ऊपर बहुत ज्यादा बाल्टी पानी पलट देता, पोरिंग माने पलट लेना, सेवरल बकेट बहुत सारी बाल्टी इससे भरी हुई ऑफ वाटर मीन्स पानी से भरी हुई कई बाल्टी अपने सिर पे पलट पलट करके वो नहा लेता, जैसे कई बार अभी बाल्टी से ही नहा लेते हैं. मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और जब नहा रहा होता है वो उस समय वो मटरिंग अ प्रेयर, वो प्रेयर गा रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है. कई बार आप ही देखे होंगे लोग नहाते हैं तो बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर गंगे, तो इस तरह से वो भी कोई न कोई प्रार्थना कर रहा होता है, कोई ईश्वर की मटरिंग कर रहा होता है. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, जब वो नहा लेता प्रार्थना कर लेता पूजा कर लेता उसके बाद लंच का टाइम हो जाता, फिर आफ्टर ईटिंग भोजन करने के बाद ही वुड रीड फॉर वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, वह सोने, डोजिंग ऑफ मतलब हल्की सी झपकी लेना या थोड़ा सा सोना, जैसे खाने के बाद आदमी 10-15 मिनट सो लेता है, तो खाने के बाद जब वो सोता उसके पहले ही वुड रीड फॉर वाइल, वह किताब पढ़ा करता था, और किताब कैसी किताब, द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, और ये जो किताब होती थी जनरली तमिल थ्रिलर होती थी, तमिल में ऐसी कहानियां जो मार लड़ाई पर झगड़े पर और भूतों पर प्रेतों पर इस तरह से जो कहानियां होती उसको थ्रिलर बोलते हैं, वो जो कहानियां पढ़ता वो तमिल थ्रिलर की कहानियां होती रनिंग 200 ऑफ पेजेज, और ये जो कहानियां होती ये लगभग सैकड़ों पेजों की होती थी, मीन्स मोटी मोटी किताबें होती कहानियों की, और इन कहानियों में वो अपना आराम से पढ़ा करता, और जब पढ़ता इस कहानी को तो पता क्या इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, और इसमें इतनी काल्पनिक कहानियां लिखी होती जैसे कि एक व्यक्ति उड़ते हुए गया और दूसरे व्यक्ति को के हाथ पकड़कर उड़ते हुए लेके चला गया, ये इमेजिनेटिव तो है, मीन्स इमेजिनेटिव कल्पना, ये जो कहानियां है ये काल्पनिक कहानियां होती थी, ये सही कहानियां नहीं होती थी. एट नैरेटेड फ्लोरसिंग वुड बोल्ड ईश्वरन इंसान, और जब ये इस काल्पनिक कहानियों को पढ़ता था तो उस समय
कि वो मींस ईश्वरन इन थान, वो उसका गुलाम हो जाता। थान वाले गुलाम, गुलाम का मतलब यहाँ पर है जब वो इन कहानियों में पढ़ता तो उस कहानी में खो जाता था, इतना खो जाता उसे ध्यान ही नहीं होता, जैसे कि कोई गुलाम अपने मालिक के सिवाय और किसी के बारे में कुछ भी सोच नहीं पाता है। वैसे ही जब ये कहानियों को पढ़ता तो उस कहानी को पढ़ता जाता, इसके अलावा उसे किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता था। थैंक यू गाइस, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।